क्या कॅरेक्टर क्या प्ले करणार आहात? नमस्कार, मी अजिंक्य धात्रक आणि मी या पिक्चरमध्ये हिरोचा रोल करतो आहे. आणि मी निशी शर्मा आणि मी या मूवीमध्ये मेन हिरोईनचा रोल करते. हिंदी में बोलना है? ओके, चलेगा चलेगा. किरदार क्या निभा रहे हो? जी, मैं इस फिल्म में हीरो का किरदार निभा रहा हूँ और निशी के साथ मैंने काम किया है और लक्ष्मण दादा ने पहली बार चांस दिया है मुझे इस मूवी में काम करने के लिए, तो बहुत अच्छा लगा. और उन्होंने काफ़ी सहायता भी की हमको कि काम कैसे करना है, उन्होंने सिखाया हमको, उन्होंने स्टेज दिया, तो बहुत अच्छा लगा है काम करके भी. आपका क्या किरदार है? हीरोइन का किरदार है, लेकिन मतलब किरदार क्या है, कैरेक्टर का नाम क्या है? मेरे कैरेक्टर का नाम सगुणा है फिल्म में. और इसमें जो माँ जो मेरे छोटे भाई को चाहिए होती है, उसको मैं माँ बनने की कोशिश कैसे करती हूँ वो दिखाया गया है. और उसमें मेरे भाई को कितनी तकलीफ होती है, वो कैसे कैसे जो उसको चाहिए होता है वो पानी की कोशिश में जैसे मैं उसको मदद करती हूँ वो दिखाया गया है. और लक्ष्मण सर ने मुझे इसमें बहुत हेल्प की है. ये मेरी सेकंड मूवी है, मैंने एक मूवी की है गुरुकुल, राजस्थानी मूवी है, और ये मेरी सेकंड मूवी है महाराष्ट्रीयन मूवी. मुझे वैसे भी मुझे बहुत खुशी है कि महाराष्ट्रीयन मूवी मैंने की है. एक्चुअली लगता नहीं है कि निशी महाराष्ट्रीयन नहीं है, वो बहुत अच्छे से मराठी बोल लेती है उसमें कोई. जी हाँ, मेरी इसके पहले एक मूवी थी प्राइवेट पुलिस स्टेशन, वो भी मराठी मूवी थी और उसमें उसने प्राइवेट कॉप का रोल किया था. कृष्णा है और पहले सीन में तो थोड़ा नर्वस था, फिर पापा ने थोड़ी हेल्प की, तो इस सब का क्रेडिट पापा को ही जाता है. नहीं, आपका नाम क्या है फिल्म में? ओरिजिनल नाम? मेरा ओरिजिनल नाम रौनक शर्मा है और फिल्म में मेरा नाम कृष्णा है. क्या किरदार है, कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर मेरी माँ मर जाती है, मेरे पापा भी मर जाते हैं, फिर मेरी बहन मुझे संभालती है, ऐसे कैरेक्टर है उसमें. और लक्ष्मण दादा ने बहुत हेल्प की है, तो पापा को जाता है और लक्ष्मण दादा को जाता है इसका क्रेडिट. फर्स्ट मूवी है आपकी? हाँ, मेरी ये फर्स्ट मूवी है. कैसे ये मूवी मिली थी आपको? ऑडिशन देना पड़ा था? नहीं, मेरे पापा ने लिया था इस मूवी में मुझे. पहला ये सीन जो किया था उसमें थोड़ा नर्वस था, फिर हो गया अच्छे से. बाद में बड़ा होके वो कैरेक्टर मैंने किया है, मैंने काफ़ी मेहनत से, लगन से और प्रतिकूल परिस्थिति में वो पढ़ाई करके आगे बढ़ता है और वो बाद में कलेक्टर बनता है. तो कलेक्टर का जो रोल है कृष्णा के बड़ा, वो मैंने किया. काम करते रहते हैं? हाँ जी, इसके पहले मैंने एक आईची माया मराठी मूवी किया, उसमें लीड रोल किया था. प्रतीक्षा एक क्षणाची, सोन पावला, हिरवा चुड़ा, कुछ सीरियलें की मराठी, कुछ हिंदी सीरियलें, अभी लेटेस्ट में बालिका वधू, ऐसे हनुमान संकट मोचन हनुमान, उसमें भी काम किया है. कुछ थिएटर्स भी कर रहा हूँ मैं अभी और एड्स चालू रहते हैं कुछ. अभी ये मराठी फिल्म कर रहा हूँ, इसके बाद भी और एक दो फिल्म चालू हो रही है अभी. ओके, थैंक यू. थैंक्स. लक्ष्मण जी, सबसे पहले कहते हैं मौका भी है, दस्तूर भी है, आपकी फिल्म आ रही है, कितनी खुशी हो रही है आपको इस फिल्म से? भी खुशी तो बहुत हो रही है और पिक्चर मैंने बहुत अच्छी बनाई है, कहानी अच्छी है, सबसे बड़ा गाने बहुत अच्छे हैं इसके और बच्चे के ऊपर कहानी है, उसको माँ चाहिए, तो इसलिए टाइटल भी मुझे मला आई पाजी. तो बाप जो दरोडे खोल रहता है वो उसको पढ़ना नहीं देता है, माँ उसको सपोर्ट करती है और उसकी बहन उसको सपोर्ट करती है. माँ बाप तो मर जाते हैं मगर आगे बहन को ढूंढते हुए शहर चले जाके वो बाल सुधार घर में चले जाता है, कोई इंसिडेंट होके उसके बाद उसके बहन को पता चलता है, वो बहन उसको लेके जाके सपोर्ट करती है, उसको पढ़ाती है और बड़ा होकर वो IAS ऑफिसर होता है. इस फिल्म में मिलिंद कुनाजी भी हैं. हाँ. और उनका क्या किरदार है और आप दोनों का केमिस्ट्री कैसा रहा इस फिल्म में काम करते हुए, कैसा लगा उनके साथ? नहीं, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे इंसान है मिलिंद कुनाजी जी और अच्छा सपोर्ट करते हुए अच्छा काम किया उसने. क्या रोल किया? निशिगंधा बेन, उनका रोल दरोडे खोर का रोल है और उसकी माँ जो खेती बाड़ी करती है निशिगंधा वार्ड, उन्होंने भी अच्छा सपोर्ट किया है
और हमारे के साहब ने भी चाचा का रोल किया, अच्छा किया उन्होंने। और बच्चा अपना कृष्णा का जो छोटा रौनक शर्मा, उन्होंने अच्छा काम किया है। हमारी निशी शर्मा जो हीरोइन है वो भी अच्छा किया है। और हमारे रमेश पाटिल साहब इंस्पेक्टर, उन्होंने सबको हिला दिया है। अच्छा, एक डायरेक्टर, यस, पूरी फिल्म उनके कंधे पे होती है, बहुत बड़ी जवाबदारी होती है, तो कितनी चुनौती थी आपको ये फिल्म बनाते हुए? सर, बहुत सारी चुनौतियों से आगे दौड़ना पड़ा है, मतलब मैं उसको कह नहीं सकता हूँ, बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा है। कंधे पर जब जवाबदारी का बोझ पड़ता है तो बचपन याद आ जाता है, तो ऐसे कभी लगा आपको कि बचपन याद आ गया फिल्म बनाते बनाते? बनाते बनाते बचपन का माँ बाप सब याद आ जाते हैं। अच्छा, आपने एक दूसरी फिल्म का भी आज मुहूर्त किया है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, वो क्या, एक कॉमेडी सब्जेक्ट है थट्टा, उसमें एक मैसेज ऐसा जाता है कि किसी किसी को क्या होता है, मजाक मस्करी करने की बहुत आदत होती है और किसी को वो सही नहीं सकता है, तो वो थट्टा जो करने से किसका क्या बुरा असर होता है नहीं करना चाहिए, ये उसका सब्जेक्ट है। अनुप्रिया शर्मा है और मैंने इस मूवी में एज एन एसोसिएट डायरेक्टर काम किया है। ये मेरी सेकंड मूवी है एज एन एडी, और मैं लक्ष्मण सर को थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने मुझ पर इतना भरोसा किया कि मैं ये काम कर सकती हूँ। ये उनके बदौलत, उनसे काफ़ी कुछ सीखने मिला कि कैसे करते हैं, क्योंकि उनका इतना सारा एक्सपीरियंस है, तो क्या किया जाता है, कौन सी सिचुएशन कैसे रिएक्ट करते हैं, ये मैंने उनसे सीखा। एंड मैं ये इस बात के लिए खुशी है मुझे कि मैं जहाँ पर पली बड़ी महाराष्ट्र में, तो मैं अगर मूवीज़ में आ रही हूँ तो मैं महाराष्ट्र की पहली मूवी से आ रही हूँ, तो दैट इज़ लाइक मेकिंग मी हैप्पी कि मुझे इस मूवी में काम करने मिला। और ऊपर से एक और अच्छी प्रोजेक्ट जब करेंगे उसमें भी मुझे एज एन एसोसिएट डायरेक्टर ले, ताकि मैं जब बड़ी हूँ तो मैं कह सकूँ कि सर के साथ मैंने काम किया, उनसे सीखा है मैंने। थैंक यू। मला ही पाहिजे मराठी पिक्चर है और उसमें मैंने टीचर का काम किया है, बहुत अच्छा ये चित्रपट है, उसकी स्टोरी बहुत अच्छी है। मैं चाहता हूँ कि अगर सब लोग थिएटर में जाके देखें तो बहुत अच्छा लगेगा। और ख़ासतौर से मैं लक्ष्मण मोरे साहब को, हमारे जो निर्माता डायरेक्टर है, उसको मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे को ये रोल करने का चांस दे दिया है। वैसा मेरा पेशा, मैं भी पत्रकार है, ये मेरा पेशा है और काम करने में मज़ा आ गया, और वैसा भी मुझे टीचर का रोल मिला तो मैं बहुत भाग्यवान समझता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम है डॉक्टर मुरहरी के, मैं इस फिल्म में रहीम चाचा का रोल किया है। जब बच्चा, जब उसकी माँ बाप खो जाता है तब उनका संभाल मैं करता हूँ। मैंने ढाबे वाले का रोल किया है और उसका नाम है रहीम चाचा, बुजुर्ग है और वो संभालते जब उसके माता पिता नहीं रहते। इसमें काम करते वक्त बहुत मज़ा है। पहली बार तो जो लक्ष्मण जी मोरे, उन्होंने हमें चांस दिया इस इंडस्ट्री में आने के लिए, तो उसका मैं शुक्रगुजार हूँ। और बहुत बड़ा अच्छा लगा इस काम, फिल्म में काम करने। इसमें गाने बहुत अच्छे और अच्छा मैसेज दिया है सोशल इसके लिए। रमेश पाटिल करके, मैंने इसमें मराठी मूवी में इंस्पेक्टर का रोल किया और मोरे दादा ने मुझे संधि दी काम करने का। पहली बार नहीं, मैंने पहला सत्ता पिक्चर में भी एक्टिंग किया, आम पिक्चर में भी हिंदी मूवी में 2-3 बार काम कर चुका हूँ। आम में पठानवाड़ी में उधर पुलिस लोग का अटैक होता है उस टाइम पे, तो अक्षय कुमार वाले, रवीना टंडल है, अक्षय है, रमेश देव का छोकरा है। एक्टिंग के अलावा आप और किस तरह से जुड़े हुए हैं? बाकी इतना एक्टिंग सब कुछ नहीं है सर। ओके, थैंक यू।